दोस्तों नमस्कार सत श्रीकाल वालेकुम जय हिंद एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द बिगिनर्स माइंड सीरीज जो आज के हमारे स्पेशल मेहमान हैं उनके लिए चंद लाइनें मेरे को याद आती हैं अपनी तकदीर के पैबंद सिया करते हैं अपनी तकदीर के पैबंद सिया करते हैं हम उम्र काटते नहीं हम उम्र काटते नहीं जिंदगी जिया करते हैं हम उम्र काटते नहीं जिंदगी जिया, जिया करते हैं और ये एक ऐसे शख्स हैं जो न सिर्फ इन्होंने अपना पर्पस डिस्कवर किया अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दी पहले भी देश सेवा में जुड़े हुए थे आर्म्ड फोर्सेस के साथ अब भी देश सेवा में जुड़े हुए हैं यूथ डेवलपमेंट और कॉर्पोरेट मोटिवेशनल स्पीकिंग के साथ और साथ ही साथ ये आने वाली जनरेशन के फ्यूचर लीडर्स प्रिपेयर करने में इनका बड़ा अहम रोल है यंग मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी ट्रेन करते हैं एंड ही डज अ लॉट मोर आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर दैन द रिमार्केबल ब्रिगेडियर सुशील बसीन जी हु अ सोल्जर टर्नड एजुकेटर after 34 years in the indian army he drew inspiration from his own students at army public school bareilly of which he was the chairman at that point of time and then took a conscious decision to shift gears and enter the education field this was after 34 years in the indian army in the last 70 years uh, 17 years i beg your pardon uh, out of the military uniform Mr. Uh, Brigadier Sushil Basinji has been donning the hat of an educator. He has shared his experience with over 200 school principals, several thousand teachers and parents, and over 40,000 children. He's a global keynote speaker, twice TEDx speaker, and the author of multiple books, including Design Your Life and the international bestseller Million Dollar Second, endorsed by Brian Tracy. His book Design Your Life has been the source of a very popular Hindi motivational podcast, also. This is hai Zindagi Unplugged on Spotify. And, Abjakar, इस पॉडकास्ट को चेक भी कर सकते हैं एंड हम सारे लिंक्स आपके साथ शेयर भी करेंगे तो आइए मेरे साथ मिलकर लेट अस वेलकम द पर्सन हु हैज हु हैज शेयर्ड हिज रिमार्केबल थॉट्स ट्रांसफॉर्मेशनल थॉट्स ट्रांसफॉर्मेशनल विजडम विद हंड्रेड्स ऑफ एंड एजुकेशनल हु हैव बेनिफिटेड फ्रॉम हिज एक्सपर्टीज एंड थॉट लीडरशिप एंड सर यू आर वेलकम टू द शो प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग ब्रिगेडियर सुशील भसीन जी विद अज राउंड ऑफ वर्चुअल अपलॉज Thank you. Thank you very much, Jay Hind. And uh, I'm so happy to be here on this show, Simurjeet. Uh, the type of work you are doing, I just love you for what you're doing. And it's a great honor to be sharing a stage with you. Thank you, sir. Likewise. Uh, aapki zinda आपका जो स्पार्क है आपकी दिस कमिटमेंट टू द सर्विस टू द नेशन ये हम सब के लिए बेहतरीन एग्जाम्पल है मैं व्यूअर्स को ये भी बता दूं कि टाइम मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं सर और साथ साथ में इनकी जो बुक्स भी हैं उस, उसके ऊपर आई हैं और डिस्कवरिंग योर लाइफ पर्पज़ के ऊपर भी आपने काफ़ी काम किया है इनफैक्ट आई बिलीव योर रिसेंट टेड एक्स टॉक ऑल्सो हैपन्स टू बी ऑन दैट सब्जेक्ट तो आइए मैं सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ सर कि आपके इंट्रोडक्शन में लिखा है कि स्टूडेंट्स से प्रेरित हुए आप जब आप वैन यू वर द चेयरमैन ऑफ द आर्मी पब्लिक

डिजायर होती है एक प्यार होता है बच्चों से जब मेरे को बोला कि आप आर्मी स्कूल के चेयरमैन बनेंगे तो मैं कोई एजुकेशन से मेरा कोई मतलब ही नहीं था नहीं। मैं तो खुद दसवीं क्लास पास करके आपके पड़ोसी स्कूल कपूरथला से आर्मी में आ गया <laughs> तो मैंने तो वो मेट्रिक का एग्जाम उन दिनों में होता था वो भी यूनिवर्सिटी का नहीं किया था <laughs> तो आई वाज हाईली अनएजुकेटेड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू तो मेरे को कहा चेयरमैन आर्मी स्कूल का बना रहे हैं <laughs> लेकिन uh, ऐसा जस्ट टू लेट एवरी नो कि आर्मी में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो वेलफेयर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स हैं सो दैट इज नॉट योर जॉब बट दैट इज योर एक्स्ट्रा ऑनरी जॉब करना पड़ता है तो मैंने बहुत और काम किए थे लेकिन स्कूल का नहीं किया था ऊपर से मेरे को बताया जाता है मैं अंबाला में था और अंबाला से बरेली आना था अभी मेरे को बताया जाता है कि जी वो आर्मी स्कूल वो बहुत बुरे हालत में है मेरा क्या हो गया भाई कहते हैं वो दो तो साल से वहां कोई प्रिंसिपल नहीं है और सब मस्ती में काम चल रहा है जी सो व्हेन आई रीच देयर माय बॉस टोल्ड मी द सेम थिंग राइट एंड यू नो समाइम्स क्या होता है कि आपके दिल में कुछ टच कर जाता है आई सजेस्ट यू टेक दिस आई नो यू डू यूर प्राइमरी जॉब वेल लेकिन इसके ऊपर uh -huh. थोड़ा कुछ गौर करो जी आई गोट इन टू द कार एंड आई वॉज लिविंग फ्रॉम होम इट जस्ट फाइव मिनट्स ड्राइव और ये सोच आई उस समय मेरी बेटी कॉलेज में थी मेरा बेटा बारहवीं क्लास में था और मेरे लिए उस समय अपने बच्चों के भविष्य से ज्यादा कुछ भी अहम नहीं था नहीं। तो अगर मेरे लिए ऐसा है तो क्या वो 2000 पेरेंट्स को भी यही यही कंसर्न नहीं होगा क्या रीच होम आई टोल्ड माई वाइफ की मेरे को नहीं पता कि मेरा दफ्तर का काम कैसे चलेगा मेरे पास छह ऑफिसर मैं उनको डेलीगेट करूंगा उनको एम्पावर करूंगा लेकिन मैं अपना पूरा दम आर्मी स्कूल में लगा दूंगा एंड उस छह महीने की जर्नी में हमने स्कूल को बहुत कुछ किया और बिल्कुल कॉमन सेंस है एजुकेशन का तो कोई मेरा कोई एक्सपर्टीज नहीं थी लेकिन आर्मी में सिखाया जाता है एक प्रोजेक्ट मिला है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कैसे उसको उसमें क्या इन्वॉल्व है क्या करना है कहां से सीखना है तो कर लेते हैं आप और छः महीने के बाद बहुत कुछ हुआ एक तो वहाँ एक बरेली में न्यूज़पेपर है अमर उजाला यूपी का फेमस पेपर है जी। उसके हेडलाइंस में एक दिन खबर आ गई कि आर्मी स्कूल में तूफान आया ओके एंड दे सेड कि वहाँ एक ब्रिगेडियर आया उसने सारा कुछ बदली कर दिया और स्कूल का पुलिया बदली हो गया क्या बात है अच्छा सो दैट वाज अ वेरी टचिंग मोमेंट एंड देन अ फ्यू डेज लेटर देयर वाज एन इवेंट इन द स्कूल वेयर after that event and there were all parents sitting there good about good about thousand parents mm -hmm. were sitting in addition to the children mm -hmm. and the head girl came on the stage and said can i say a few words to the chairman okay or usne minute kya -kya bola ki, sir thank you very much hamari change kar di, kya, kya, and all that mm -hmm. but you say end cheese

एंड दैट वॉज अंट देंज माई लाइफ आई गोट दैट फीलिंग की मेरे जो छह महीने का प्रयत्न है वो सफल हुआ एटलीस्ट mm -hmm. जो मैं चाहता था कि जो मैं उस स्कूल को उस डायरेक्शन लेस जगह से निकाल के कुछ दिशा दे पाऊ जब वो हो गया mm -hmm. तो मुझे कुछ ऐसा एक अंदर से एक आवाज आई mm -hmm. कि सुशील दिस इज दर्पज ऑफ योर लाइफ तुमने चौते साल जो कर लिया कर लिया बहुत हो गया देश की सेवा हो गई और अभी समय है तुम्हारा बच्चों के लिए कुछ करने का <laughs> अरे तो जनरल बनने वाले हो मैं कर, नहीं। 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 मेरे को अब जनरल नहीं बनना है नहीं। मेरे को समझ में आ गया कि मेरा पर्पज क्या है और ये मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि ये थियोरेटिकल चीज नहीं है ये एक जी. अंदर से एक आवाज आती है जो आप खाली महसूस कर सकते हैं यू कैन ओनली फील इट वेन यू गेट इट बट ये इस, इसको आप उत्पन्न नहीं कर सकते आप इसको कहीं से क्रिएट नहीं कर सकते इट हैजू है जब mm -hmm. वो आवाज आती है mm -hmm. मैं पूछना चाहता हूं क्या वो आवाज को सुनते हो या mm -hmm. अनसुनी कर देते हो आई थिंक दैट्स ओनली डिफरेंस समरजीत यू आर सम पीपल लाइक यू एंड मी हु कैच दैट

जिंदगी में बोलते ही आए थे बचपन से मेरे को बोला जाता कि तुम बोलता बहुत है थोड़ा आस्था कम बोल कम बोल।, बोल तो अब जो चीज ऐसी नेचुरल आपको आती है कि आपको बचपन से बोला जा रहा है कि तुम बोलते ही जा रहे हो mm -hmm, mm -hmm. तो बोलने के क्या पैसे लेने हैं तो किसी को पैसे भी मांगते हुए लगता था कि यार ये तो मैं इसमें क्या बड़ी बात कर रहा हूं जो पैसे जी, जी. जर्नी इट एज बीन अपट बीन चैलेंजिंग बट इट बीन फन and 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 we we are are blessed, blessed the the recipients of of your your knowledge and information and all the body of work, 17 we are all body work to 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 have access to it. And to have access it you here today in your, in this new avatar. तो दो तीन चीजें सर इसमें उभर के सामने आती हैं मैं व्यूअर्स के लिए वो सिंगल आउट करना चाहता हूँ पहली तो आपने कहा कि मुझे बच्चों से प्यार था आ, तो uh, क्योंकि अक्सर कल परसों का सवाल था लिंकडिन पे सेमती एवरीबडी टॉक्स अबाउट डिस्कवर योर पर्पज़ नो बडी एक्चुअली शोज़ यू हाउ टू डू इट तो मैं उसके कुछ स्टेप्स ब्रेक डाउन करना चाहता था अभी आपकी स्टोरी सुनी है कुछ अपनी भी एक तो पर्सनल इंसिडेंट भी शेयर करूँगा अब अभी ऑडियंस के साथ पर पहली चीज़ उभर कर ये सामने आती है कि जिस चीज़ से प्यार है वो नेचुरल लगन है वो इंक्लिनेशन है वो दिल करता है कि अगर मेरे वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना हो तो मैं इस डायरेक्शन में जाऊँगा वो चीज़ समझिए क्या है तो जैसे uh, सर के लिए वो बच्चों के साथ जो प्यार था और वो उस, उनको खींचता चला गया तो जैसे रूमी की एक कहावत है कि लवर्स डोंट फाइनली मीट समवेयर दे आर दे वर इन ईच अदर ऑल अलोंग एंड द सेम लव अफेयर यू हैव विद योर कॉलिंग ऑल्सो यू डोंट जस्ट सडनली मीट समवेयर You were in each other all along. So, your purpose that. Uh, or allow karna aapki, the, this this is your role in the process that you have allow you have to allow that moment to show up, uh, you know, by bringing your barriers down as you did. Or no, I actually I, I call it the Kairos moment. Okay. Uh, the moment in the moment. The moment in the moment. You know, that okay. moment in the moment when you cut that thing and it, and then you catch it and say, This is it. I found it. राइट एंड आई थिंक एक और बड़ी अहम चीज सर वर्स के सामने आई कि रिस्क टेकिंग रोल ऑफ रिस्क टेकिंग आपको वो सुनेगी हो सकता है वो मोमेंट भी प्रेजेंट करे राइट right? आपको वो इंटरनल एक्सपीरियंस भी हो बट देन कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस इंटायर प्रोसेस दैट इज टू लीव बिहाइंड नोन एंड स्टेप टू दिन राइट एज यू डिड इट्स इट ऑज अ टू इट ऑज मेनली टफ कि पहले तो मेरी वाइफ ने कहा कि जी क्या बात कर रहे हो hmm. तो मैंने उनको यह भी मजाक में कहा कि आई नो दैट बट बट अगर तुम्हारा इतना ही शौक है जनरल की वाइफ बनने का तो कुछ और कोई और ढूंढ लोगे क्यों मैं तो जा सी दी अमाउंट कमिटमेंट तो मैम खफा <laughs> तो जरूर हुए होंगे एक बार मिन लाफ एट ऑफ बट मेरे को फिर मेरी वाइफ ने मेरे फादर को बोला मेरे फादर ने शिमला से फोन किया मेरे को वो <laughs> तो ठीक बोल रही है तुम्हारा इतना अच्छा करियर है अभी तुम्हारे छह साल बाकी हैं और तुम अगर जनरल ना भी बनो तो यार एक अच्छी बड़ी खासी इनकम है आपकी एक सिक्योरिटी है और पेंशन है अभी फिफ्थ पे कमीशन आ रही है आपकी पेंशन भी बढ़ जाएगी अब क्यों इतना कुछ छोड़ के एक अनजान रास्ते पे चल रहे हो और तुम ऐसा ऐसी चीज पकड़ रहे हो जो कोई और कर नहीं रहा है बिकॉज आई सेड आई स्टार्ट एन आउटबाउंड कैंप आई विल डू दिस मतलब आप एक नए रास्ते के ऊपर चल रहे हो जिसका आपको कोई एक्सपीरियंस uh, नहीं है कोई अनुभव नहीं है कुछ नहीं, नहीं। है नहीं। और वाई यू टेकिंग दिस रिस्क उस समय कोई यू you नो know, जब भूत सवार हो जाता है जब एक जनून आ जाता है तो तब कोई रीजनिंग नहीं होती नहीं होती I I am telling you, I hated anyone who discouraged me। <laughs> और ना, को मोहब्बत so, हाँ, हो, हो जाए तो फिर रीजनिंग तो कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग ऑल दैट वो बंद हाँ, हो जाता है शाम लाल तो मैं एक दिन उनकी वाइफ मेरे को सुशील सोचो ना क्या कर रहे हो तुम mm. अभी बच्चों की शादियां होनी है बोला है mm. ने, और फिर ये मेरे को बता रही है mm. मैंने कहा देख सुनीता मैं तेरे को एक बात बताऊं कि मैं जो मर्जी आप रीजनिंग दे दो mm. मैंने तो अब तय कर लिया एंड आई एम डूइंग इट फॉर वर्थ एंड यू नो वॉट यूर टॉकिंग अब जिंदगी जितनी मेरी पेंशन थी जी उस समय हमें कुछ खास इतनी पेंशन भी नहीं मिलती थी जो कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन था mm -hmm. 16 लाख आई रिमेम्बर आई जस्ट पुट इट इनटू द बिजनेस दैट मींस इफ द बिजनेस डजंट वर्क माय कंप्लीट लाइफ सेविंग्स आर गॉन राइट बट समवेयर व्हेन पीपल यूज्ड टू से कि अगर तुम्हारा ये बिजनेस नहीं चला मैं कैसे नहीं चलेगा mm. अगर बच्चे नहीं आए तुम्हारे कैंप में कैसे नहीं आएंगे mm. आपके अंदर एक भरोसा हो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की यार जब मैं लगन से काम कर रहा हूँ uh -huh. वो कहते हैं ना कि सारी कायनात आपके साथ लग जाएगी अगर जी. आपका आपका इरादा पक्का है Mm -hmm. और आपकी जो सोच है उसमें कुछ पॉजिटिविटी है यू आर डूइंग इट फॉर द वर्ल्ड आई थिंक एवरी वन कम्स इन टू योर फेवर कोई मेरे को लगता नहीं है कि वो रिस्क रिस्क है बट येस दैट रिस्क एलिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई आई वॉन्ट टू टेल एन एवरी वन व्यूअर्स रिस्क तो लेना पड़ेगा सी mm -hmm. अगर आप रिस्क नहीं लेते हैं ना तो आई दर एक्सेप्ट टू बी अड योकर ऑल योर लाइफ और टेक रिस्क एंड बिकम आउटस्टैंडिंग डोंट सबको टू बिकम आउटस्टैंडिंग उसकी तरह मैं शाहरुख खान की तरह बन जाऊ में सुनील तेंदुलकर की तरह सिमरजीत की तरह बन अरे उन्होंने आपको दिखता है उनका रिजल्ट दिखता है उनका ग्लैमर आपको नहीं उसके जो नीचे आइसबर्ग में जो उनकी मेहनत है जो उनके रिस्क है जो उनकी कठिनाइया है Mm -hmm. वो नींद दिखती है ना नो बडी रीच दे जस्ट लाइक दैट सो यस यू हैव टू टेक रिस्क यू हैव टू बी डिटर्मिंड एंड यू हैव टू यू हैव टू वर्क टू वार्ड्स इट विद सिंगल माइंडेड फोकस्ड डेडिकेशन एब्सोलूटली आई लव जो आपने कहा कि कैसे नहीं चलेगा बच्चे क्यों नहीं आएंगे एक तो इसमें एक पॉजिटिव थिंकिंग का बड़ा स्ट्रॉग एलिमेंट है ऑप्टिमिज्म है बिफोर एंटरिंग इन टू न्यू बट ऑल्सो एक दृढ़ता है एक विश्वास है कि एक नहीं तो दूसरे तरीके से चल जाएगा और आई थिंक कि दिस गॉड हो सकता है मैं मेरा पहला अप्रोच ना वर्कआउट करे सेकंड अप्रोच ना वर्कआउट करे बट फंडामेंटली ये आइडिया वाइबल है तो जिस भी डायरेक्शन में जब आप नया पर्पस ढूंढते हैं तो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू मस्ट बिलीव यू आर द फर्स्ट बिलीवर यू आर द बिलीवर इन चीफ राइट न्यूज नई डेजिग्नेशन बना दी हमने आज द बिलीवर इन चीफ वेरी गुड समरजीत आई मस्ट इंटरजेक्ट इंटरप्रोजेक्टर एंड सेपज में क्लैरिटी बहुत जरूरी है hmm. एक बिल्कुल आपके विजन जो है ना mm. बिल्कुल क्लियर विजन होनी चाहिए एंड दे यू गो वन इंच वाइड एंड वन माइल डीप आपके पास तीन चार आइडियाज आ रहे हैं वो तीन चार में से इलिमिनेट करके ना mm -hmm. एक निकालो क्लैरिटी इज व्हाट क्लैरिटी इज इलिमिनेटिंग द अननेसेसरी वाओ आई लव दैट आई लव दैट यू सी आई टेल यू दिस केम फ्रॉम अ वेरी सिंपल थिंग माय माय सन इज अ फोटोग्राफर अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर नाइस तो मैंने कहा कि यार मेरे को एक कैमरा खरीदना उसका वो सॉरी uh, मेरे अच्छा hmm. so uh, okay. hmm. से फोटो ले रहा हूं hmm. और वो इतनी अच्छी नहीं आती और मेरा बेटा लेता है तो आती है <laughs> और मैंने कहा मैं तो जैसे आर्मी में सिखाया था राइफल के लिए ना कि भी आप hmm. अपना एम लेके फिर अपनी सांस रोक लो ताकि hmm. मूवमेंट ना हो इतना मैं उसको स्टेबल करके फिर मैं लेता हूं फिर भी तेरी फोटो ज्यादा अच्छी आती है hmm. उसने बोला डैड व्हेन डिड यू लास्ट क्लीन द लेंस मैंने कहा मैंने right. तो कभी नहीं किया जी hmm. उसने बोला जो इसके ऊपर धूल पड़ी हुई है उसकी वजह से आपकी फोटो ठीक नहीं आती hmm. मैं तो हर फोटो से पहले hmm. हर फोटो लेने से पहले लेंस को क्लीन करता हूं क्या बात और उस दिन एक बात समझ में आ गई कि hmm. यही धूल हमारे ये एक फॉग जो हमारे माइंड में होती है हमारे पास 50 आइडियाज हैं अगर आप उसको एक आइडिया को ले लो एंड देन गो वन माइल डीप वन माइल डीप दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट द वन माइल डीप एंड आई आई लाइक टू बिल्ड ऑन दैट लिटिल बिट पर उससे पहले कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि एक खता हम तमाम उम्र करते रहे एक खता हम तमाम उम्र करते रहे धूल चेहरे पे थी हम आईना साफ करते रहे धूल चेहरे <laughs> पे <laughs> थी हम आईना आई yeah, लाइक like what you जस्ट said अबाउट गो one माइल डीप और आज सुबह ही हमारा कुछ टेक्निकल चैलेंज चल रहा था यहाँ पर ऑफिस में और मैं अपने टीम से यही बात कर रहा था मैं कहा कि वो ये ज़िंदगी के एक असूल बना लो कि लर्न टू रोल अप योर स्लीव्स एट टाइम्स

और आई थिंक ये ये बात हम मैं अक्सर करता रहता हूँ और यंगस्टर्स के लिए खास करके काफ़ी रेलिवेंट है आप जो आज कर रहे हैं क्या आपको उस... आप आपने उस चीज़ को पूरी तरह से एम्ब्रेस किया है नहीं अगर आप स्टूडेंट हैं क्या आप वेल well प्रिपेयर्ड जा रहे हैं क्लासरूम में नहीं टीचर ने जो पढ़ाना है क्या आपने पहले पढ़ा है वो चीज़ उसको थोड़ा रीड किया है वो वट्स हैपनिंग आई यू प्रिपेयर्ड विद योर टूल्स डू यू हैव द नोट बुक्स दी लैपटॉप दी वट एवर ऑल दो थिंग्स यही स्टूडेंट सर जब इस जब कैनेडा चला है, कर, कर, जाता है मान लीजिए घर वालों के चालीस पचास लाख रुपया लगाकर लोन लेकर किसी इंटरनेशनल लोकेशन पर पहुंच जाता है स्टूडेंट वही है लगभग लेसन्स भी वहाँ पर वही रहते हैं ये नहीं कि कैनेडा में कोई दूसरे प्लानट से पढ़ाई हो रही है और इंडिया में वो अवेलेबल नहीं है वी आर लिविंग इट्स अ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज नाउ वट इज हैपन द स्टूडेंट इज चेंज्ड अब उसको पता है कि तीस लाख का लोन है गाँव में या मेरे कस्बे में सब लोग इंतजार कर रहे हैं बाहर गया है कुछ बनेगा घर वालों को उनकी लाइफ इंप्रूव करेगा एक्सपेक्टेशंस हैं जिम्मेवारियाँ हैं इसके अंदर आग जाग गई है फिर से तो ये अभी स्टूडेंट चेंज हुआ है ये वेल well प्रिपेयर जा रहा है टाइम से पहले जा रहा है नोट्स ले रहा है पढ़ने की कोशिश कर रहा है ज़िंदगी में कुछ बनने की कोशिश कर रहा है सो so, कई बार परिस्थितियाँ वही होती हैं हमें हमें कमी होती है हम उस चीज़ को उभार कर सामने नहीं लेकर आते बिल्कुल सच एब्सोल्युटली और एक चीज जो बड़ी अहम जो आपने जैसे आप आपके मिसेस ने कहा कि आप तो जनरल बनने वाले हैं दिस वाज सिक्स इयर्स बिफोर रिटायरमेंट इफ सिक्स बिफोर मैं अपनी जॉब में सर होटल इंडस्ट्री में

Um, that इज़ जब इस करियर की शुरुआत होती है आपका ड्रीम होता है कि दैट्स when your career करियर इज शॉर्ट ऑफ पीक उसके बाद रीजनल जर्नल मैनेजर आता है एरिया जर्नल मैनेजर आता है बट वॉट आई ऑल्सो फेल्ट और ये व्यूअर्स से शेयर करना है मैं कि जिस चीज़ से मैं प्रेम कर रहा था जैसे मैं आगे बढ़ूंगा उससे तो और दूर जो जाता जाऊँगा आई लव बींग विद माई स्टाफ आई लव ट्रेनिंग माई कि यार ये यंगस्टर अभी कॉलेज से आया इसको पार्ट टाइम हायर किया इसको दो साल में ऐसे ट्रेन करना है मुझे उस चीज़ में खुशी मिलती थी जैसे आपको बच्चों के साथ काम करने में खुशी मिलती थी मुझे सबसे ज्यादा अपने काम में खुशी दो चीज दो तीन चीजों में मिलती थी स्टाफ के साथ टाइम स्पेंड करने में उन टीम उनकी मैंटरिंग उनकी डेवलपमेंट और दूसरा कस्टमर सर्विस में क्योंकि कस्टमर इन्वायरमेंट में था मैं तो अपनी कस्टमर कंप्लेंट्स हैंडल करना डिफिकल्ट से डिफिकल्ट यू नो सीनियर सिटीजन बड़े आते थे मेरा जो यूके वाला होटल था उसमें काफी सीनियर्स की पॉपुलेशन थी तो वहां मेरे को सैम कहते थे जैसे आपको पता ये तो इतने सीनियर सिटीजन है सर जिन्होंने आके कोई भी दिक्कत हो तो उन्होंने कहना सैम से ही बात करेंगे और किसी को हमने कंप्लेंट भी नहीं बतानी है वी यू डोंट इवन केयर अबाउट इट सो वेयर इज ही सो वी वुड लाइक टू टॉक टू हिम एंड आई पर्सनली न्यू ऑल ऑफ देम कोई आर्मी वेटरन्स थे कोई कुछ लोग थे बाय बाय फर्स्ट नेम बेसिस और इस चीज से मे, मेरे मुझे बहुत खुशी मिलती थी अगले कदम में मैंने रियलाइज किया मेरा तो ऑफिस में ज्यादा टाइम स्पेंड होगा एक्सेल शीट्स के सामने और टाइम स्पेंड होगा रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन मैं लोगों से और दूर जाता जाऊंगा इससे अगला कदम मैं तो और दूर जाऊंगा मैं तो प्रॉपर्टी में बेस्ड नहीं हूँ मैं रीजनल जो ऑफिस है उसमें बेस्ड होगा एंड ऑल डे आल बी सेटिंग इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन सो जिस चीज से मुझे मोहब्बत थी लोगों के साथ लोगों की डेवलपमेंट के साथ उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने उसमें फासला बढ़ता जाएगा उसमें फासला बढ़ता जाएगा और ये चीज बड़ी अहम है कि आप रिस्क की बात की तो ये बड़ा अहम है कि जिस चीज को हम आज सेफ समझ रहे हैं क्या आज के साथ पांच साल बाद ये सेफ रहेगी ये रिस्की नहीं हो सकती हो सकता है ये सबसे बड़ा रिस्क इसी रास्ते पर आ जाए तो क्यों ना वो करें जो दिल चाहता है क्यों ना वो करें जिसमें आपको लगता है कि आप थकेंगे नहीं आप एग्जॉस्ट नहीं होंगे आपको बर्डन नहीं लग रहा है नेचुरली आ रहा है आपको और इन द प्रोसेस ना आपको पैसा मिले ना कुछ मिले कुछ स्टेज ऐसी थी जैसे आपने बताया कि आप भी जब एंटर किए तो आपने कहा कि कैसे कामयाब नहीं होगा तो मैं भी आया मैंने ज़्यादा सोचा नहीं सर सत्ताईस साल का था मैं जॉब छोड़ी अपनी छोड़ी अपनी वाइफ की जॉब छोड़वाई ब्रिटिश रेजिडेंसी का, का फाइल क्लोज किय, किया कनेडियन रेजिडेंसी का फाइल किया क्लोज़ किया यूएस में जॉब ऑफर थी उसको रिजेक्ट किया वो सारे ब्रिजेस बर्न करके मैंने कहा एक डायरेक्शन में वापस पहुँचना है करना क्या मुझे नहीं पता था एजुकेशन में कुछ करना है अपना काम करना है जॉब बहुत कर ली तो मेरे को मेरे मन में ये था भी कैसे वर्कआउट नहीं होगा कुछ नहीं हुआ तो बाहर घर के बाहर बोर्ड लगा देंगे वो आइल्स इंग्लिश स्पीकिंग ट्रेनिंग ये तो कर ही लेंगे और जलंधर में इसकी बहुत बड़ी मार्केट है पंजाब में यू नो विद अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स एस्पायरिंग टू गो अब्रॉड सो वो फियर फैक्टर इस तरीके का नहीं था एग्जिस्टेंशियल फियर नहीं था हाँ ये मुझे ज़रूर रियलाइजेशन थी कि ये रास्ता लंबा होने वाला है एंड आई वॉज प्रिपेयर फॉर इट दिस दिस वॉज वालसो क्लियर टू मी सो उसी पेस पर मैं गया और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए बट एक चीज बड़ी अहम निकली कि अगर पैसा ना भी शुरू में नहीं था उतना मेरे को मैं आपको आज बता देता हूं पहले अक्सर इसकी बात नहीं की कि मेरे अकाउंट में ऑटो डेबिट जाता था सर एल की एक कोई प्लान था उसका पैंतीस सौ रुपए का ऑटो डेबिट जाता था तो एक ऐसे दौर से भी मैं गुजरा हूं कि मुझे कभी कई बार उसके ऊपर भी नजर रखनी पड़ती थी कि ये बाउंस ना हो जाए ये तो थर्टी फाइव हंड्रेड रुपीज का ऑटो डेबिट लगा हुआ है इस फेज से भी मैं एक्सटेंडेड पीरियड से निकला बट आई थिंक इट्स जस्ट हाउ यू लुक एट इट कि स्ट्रगल अगर उसको मीनिंग मिल जाता है विक्टर फ्रैंकल की एक कहावत शेयर करना चाहता हूँ लाइफ इज़ नेवर मेड अनबेयरेबल बाय सर्कमस्टांसिस बट ओनली बाय लैक ऑफ मीनिंग एंड पर्पस डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ओनली बाय लैक ऑफ मीनिंग एंड पर्पज़ वट एवर यूर स्ट्रगल इस कठिनाइयों में जब आप उसको मीनिंग और पर्पस दे पाते हैं यू ट्रांसफॉर्म सर आई लव टू हेयर योर व्यूज़ ऑन दस एब्सोल्युटली और मेरे को मैं आपको एक दो तीन चीजें बहुत दिमाग में आई करके नंबर वन की अगर आपको वो दूर दृष्टि वो पर्पज ए क्लियर दिख गया वो डायरेक्शन दिख गई और अगर आपने अपनी नजर उसके ऊपर बिल्कुल अटल कर दी जी उसको पहुंचने के लिए आपको गोल्स बेशक चेंज करने Mm. मैंने दिल्ली पहुंचना है फ्लाइट कैंसिल हो गई मैं ट्रेन ले लूंगा mm -hmm. पर मेरे को पता है कि दिल्ली पहुंचना है तो मैं mm -hmm. इस रास्ते नहीं उस रास्ते पहुंच जाऊंगा राइट right. लेकिन अगर मंजिल क्लियर नहीं है तो आप तो भटकते ही रहेंगे mm -hmm. पता नहीं कहां जा रहे हैं कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं सो यू नो वेन यू टू गो फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी यू नीड टू नो द डिस्टेंस सो दैट यू कैन एडजस्ट योर स्पीड टू बी देर एट अ टाइम जी यू नीड टू नो द डायरेक्शन बट आई फील दैट द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो इज द डायरेक्शन बिकॉज अगर स्पीड बहुत अच्छी है जैसे आप उस दिन किसी और वीडियो में सुना था कि यू मे बी ऑन द रॉन्ग लैडर में भी ऑन द रॉन्ग वॉल तो अगर आपकी डायरेक्शन है तो आप बहुत तेज जा रहे हैं बड़ी रफ्तार में जा रहे हैं लेकिन कहीं और के और ही पहुंच जाएंगे mm -hmm. मंजिल पे पहुंचने के लिए डायरेक्शन बहुत जरूरी है okay. तो मेरी डायरेक्शन जैसे आपने कहा यह था कि अब यूथ के लिए कुछ करना है एंड सिमर सिमरजीत स्टार्टेड विद स्कूल कि मैं अपना एक स्कूल बनाऊ और स्कूल की पूरी तैयारी की तो जब मैंने ये सोच लिया कि मैंने स्कूल अपना बनाना है और अभी मैं बरेली में ही था तो मेरे बहुत टूर लगते थे और जहां भी टूर लगता था जोशी मठ जाता था रानी खेत जाता था लखनऊ देहरादून वहां सब जगह मैं आर्मी स्कूल विजिट करता था दूसरे स्कूल्स विजिट करता था देखने के लिए कि स्कूल में क्या क्या होता है जो मैं अपने स्कूल में करूंगा ओके तो उसी टाइम एक प्रिपरेशन शुरू हो गई थी जो दो साल चली और फिर जब मैं बिल्कुल तैयार हो गया और मैंने अपने पेपर्स पुट अप किए तो इट वाज ऑल टू स्टार्ट अ स्कूल लेकिन जब देखा कि जिस तरह का स्कूल का हमने सपना ले लिया था 17 करोड़ वाज द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू क्रिएट दैट स्कूल ओके और उस समय एक ऐसे मित्र मिले मेरे सीनियर थे आर्मी में रिटायर्ड उन्होंने कहा सुशील अगर तुम्हारे बच्चे नहीं आ, आ, आए स्कूल में और मान लो कम आए आप कहते हो ओके डिलेड आए तो टेल मी हाउ यू पे योर लोन्स तुम्हारे पास क्या कैपेसिटी है वो सत्रह करोड़ का लोन वर्कआउट करो ना कितना होगा ई एम आई देखो एंड देन केम एन आइडिया कि ओके okay, जब मैंने अपने आर्किटेक्ट को बोला हमारा आज तक वो पूरा ब्लूप्रिंट स्कूल का हमारे पास 50 एकर्स लैंड था बॉम्बे में बॉम्बे गोवा हाईवे पे एग्रीकल्चरल लैंड था तो स्कूल का पूरा प्लान बन गया और उसके अंदर वन ऑफ माय एन मेन एरियाज ऑफ द स्कूल वाज दैट वी विल डू एडवेंचर एंड आउटडोर्स एंड ऑल राइट एक आइडिया आया है कि अच्छा हम उल्टा स्टार्ट करते हैं पहले खाली एडवेंचर वही पोर्शन जहां एडवेंचर करना है वो स्टार्ट करते हैं थोड़ा बिल्डअप करते हैं उसमें खाली डेढ़ करोड़ की इन्वॉल्वमेंट थी वो मैनेजेबल था उसके उसका रिस्क भी कम था उसके तो हमने कहा वो एडवेंचर से करते-करते आगे स्कूल बना लेंगे लेकिन जब हमने शुरू किया सेम पर्पस वो सेम बट गोल्स चेंज्ड फ्रॉम स्कूल इट बिकेम अ कैंप एडवेंचर कैंप और एडवेंचर कैंप से मैंने कुछ एक्सपीरियंसियल लर्निंग का बीच में आइडिया डाल दिया तो फिर हमने एडवेंचर कैंप से अलग हो गए कि एडवेंचर तो वी आर यूजिंग एज अ टूल फॉर लर्निंग एक्सपीरियंसियल लर्निंग वी यूएसए गए वहां पे आई बिकेम अ मेंबर ऑफ द AEE, of बोर्ड में बिग कवेड थिंग टू डू तो तीन साल में उनके बोर्ड पे रहा नेक्स्ट ईयर आई वेंट टू फ्लोरिडा आई बिकेम दर्स्ट इंडियन टू प्रेजेंट अ वर्कशॉप विच आई डेड ऑफ कॉलेज टू कारपोरेट तो अमेरिका में लोगों ने बोला कि तो हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं है कि कॉलेज में बच्चों को कॉर्पोरेट के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए वर्कशॉप ऑन मंजिल वही रही रास्ते बदलते गए और तरीके बदलते गए और फिर समय के अनुसार कई चीजें चेंज होती हैं। अगर पहले हम बोल रहे थे एसी नहीं होंगे ये होगा इलेक्ट्रिसी नहीं होगी लैंटन जलेगा हमारे कैंप में mm. नेचर के लिए देन mm. फिर किसी ने बोला कि mm. आप खुद ही बैठोगे कोई <laughs> क्लाइंट नहीं आएगा <laughs> right. फिर थोड़ा बदली करना पड़ा क्लाइंट की वजह mm. से कि ओके पीपल नीड एन एसी तो चलो एसी लगा दिए mm -hmm. टीवी मैंने नहीं लगाया टिल द एंड मैंने कहा नहीं वो डिस्ट्रैक्शन yeah. नहीं चाहिए, चाहिए. नहीं होगा यहाँ पे सर yeah. लोग आते हैं क्रिकेट मैच चल रहे मैं घर में रहो क्रिकेट मैच देख राइट इज क्रिकेट मैच डोंट कम डोंट पोलूट माई डोंट माई प्लेस द रूल्स इज अबाउट द flexibility जिसकी आपने बात की कि गोल वही रहेगा uh, purpose वही रहेगा और hmm. आपके जो रास्ते हैं आपके मेथड्स चेंज होते जाएंगे और वो फ्लेक्सिबिलिटी रखनी इंसान को बहुत जरूरी है एंड आई थिंक इन द आर्मी आल्सो बी से दैट टू विन अ वॉर योर बैटल्स विल बी डिफरेंट एंड यू मे लूज अ बैटल बट स्टिल विन द वॉर विन द वॉर राइट सो वॉर इज योर पर्पस बैटल्स आर योर गोल्स सो गोल्स कैन कीप सी कोविड हो गया सबके गोल्स बदली होने uh -huh. पे. Uh -huh. जो हमारे फेब्रवरी ट्वेंटी ट्वेंटी के गोल्स थे इन मार्च वी हैव टू रीसेट देम तो वो रीसेट तो दैट आई कॉल यू नो मैं फ्लेक्सिबिलिटी को टू अंडरस्टैंड टुडे से रीसेट का बटन दबाना पड़ता mm. गुड एनआलॉजी सो गोल्स और पर्पस की जो डिस्टिंगशन है बड़ी अहम है पर्पस इज योर लार्जर डायरेक्शन दैर मूविंग टू वर्ड्स इन दैट यूर एस्पायरिंग टू वर्ड्स गोल्स आपकी जो छोटी बैटल्स हैं और आपका हो सकता है कई बार गोल ना और अक्सर यंगस्टर्स में यह होता है कि वो पर्टिकुलर गोल नहीं अचीव होता डिसहार्डन हो जाते हैं मेरे को वो एग्जाम क्लियर करना था एग्जाम नहीं क्लियर हुआ तो मैंने रिस्क काट ली अपनी मैं सुइसाइड कमिट कर लूंगा मेरे को वो कॉलेज चाहिए था वो स्ट्रीम चाहिए थी उस लोकेशन पे चाहिए थी वो नहीं मिली सर मेरी तो जिंदगी तबाह होगी ये उन सब के लिए बड़ा अहम एग्जांपल है थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस सर कि गोल अगर ना भी अचीव हुआ तो लार्जर पर्पज क्या है उसकी तरफ तो आप बढ़ सकते हैं ना तो फ्लेक्सीबिलिटी रखिए एक दरवाजा बंद हुआ तो सौ और खुलेंगे तो अपना माइंड जो है स्विच ऑन रखिए एंड फाइंड आउट अदर आर इमर्जिंग फॉर यू एबली तो um, एक चीज़ बड़ी क्योंकि पर्पस की डिस्कशन में थोड़ा कंटिन्यू करना चाहता हूँ और उसमें मुझे पहला जो स्टेप जो नज़र आया स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कल परसों का ये फीडबैक था सब बात करते हैं कोई रोड मैप बताइए आप तो रोड मैप सबसे पहला जो हमें यह बताया कि किन चीज़ों से मोहब्बत है उनको आप लिखना उनके बारे में थोड़ा और अवेयर बने मे बी यू वॉन्ट टू राइट दैम डाउन इफ इट्स इट वॉज एजुकेशन फॉर सर इट वॉज मैंटरिंग पीपल फॉर मी आपके लिए भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी उसे डिस्कवर करें स्टेप टू uh, खुद को रिसेप्टिव बनाएं ऐसी सिचुएशन में डालें कि आप उन चीज़ों को अनुभव कर सकें जैसे सर के लिए वो इंसिडेंट हुआ वन स्कूल में जब बच्चों ने उनके लिए बोला मेरे लिए कितने इंसिडेंट्स हुए जब मेरी टीम मेम्बर्स ने मुझे बताया दैट यू नो आई आई कैन बी ए गुड मैंटर एट्सेट्रा एट्सेट्रा स्टेप थ्री you have to leave the comfort zone behind right it's just like jumping out of an aeroplane there has to be a moment when you you prepare for it ई ऑल मीन्स आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए आपका पैराशूट सही होना चाहिए ओनली देन ऑफ अ प्लेन राइट यू डू योर ड्यू डिलीजेंस बट रिस्क तो इन्वॉल्व है रिस्क लेना पड़ेगा अगर रिस्क लेने से घबराते हैं खुद से यही सवाल पूछिए जिस ऑप्शन को आज मैं सेफ मानकर चल रहा हूं अपने दिल की जो असली इच्छा है उसको नहीं फॉलो कर रहा जिस रास्ते को मैं सेफ मान रहा हूँ आज से पाँच साल बाद हो सकता है ये ये भी अनसेफ बन जाए फिर मेरे मन में निराशा होगी कि मैंने वो चीज ट्राई नहीं की स्टेप फोर जो आई थिंक इसके में आ रहा है कि आप छोटे छोटे कदम लेना आगे शुरू करें रिसर्च करें जैसे सर ने बताया वो और स्कूल्स को विजिट करते थे मैं और स्पीकर्स को सुनने जाता था मैंने और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की अपने उस नए एरिया में जिसमें आपकी वो दिल की आवाज़ लेकर जा रही है उसके बारे में रिसर्च करें अब्जॉर्ब करें इमर्स करें सीखें क्या हो रहा है अगली चीज जो उभरकर सामने आ रही है जो रास्ता आप सही समझते हैं शायद यूनिवर्स को वो रास्ता मंजूर ना हो रास्ते बदलते जाएंगे डी टूर्स आते जाएंगे टर्न्स आती जाएंगी रुकावटें भी आती जाएंगी गोल्स हो सकता है आपके अनुसार ना अचीव हो बट लार्जर पर्पज अचीव होना चाहिए सो बी फ्लेक्सीबल एंड बी परसिस्टेंट परसिस्टेंस के ऊपर सर आपके क्या व्यूज हैं इस जर्नी में बिकॉज लॉट ऑफ पीपल दे डिस्कवर द पर्पज दे टेक द रिस्क वो सब कुछ करते हैं बट जल्दी गिव अप कर जाते हैं ये काफी टेंडेंसी मैंने यंगस्टर्स में आजकल देखी है व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस सी आई फील कि अगर जैसे आप अपनी कार चला रहे हैं <laughs> तो डोंट ड्राइव योर कार फ्रॉम द रियर व्यू मिरर ड्राइव द कार फ्रॉम द विंड स्क्रीन इतनी hmm. बड़ी मैन्युफैक्चरर ने आपको विंड दी है तो उसमें देखो तो आगे होराइजन तक दिखता है एंड व्हाट यू थिंक इज द रोड एंड इज जनरली द रोड बेंड तो <laughs> चलते जाइए अब आप, आप mm -hmm. uh, अगर आपका इरादा सही है और आप उसके ऊपर दृढ़ विश्वास करते हैं निश्चय करके चलते जाओ नाउ परसिस्टेंस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट अगर आत्मविश्वास है यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट यू नो दैट यू आर इन द राइट डायरेक्शन देन डोंट लेट अ स्पीड ब्रेकर कम इन डोंट डोंट वरी अबाउट अ पॉट होल आई से डोंट बिकम अ स्कूटर स्कूटर का पहिया पॉट होल में घुस गया तो उसको निकालना है उसको उतर के निकाल के फिर जाना पड़ता है बी अ अ बुलडोजर हु इवन केयर अबाउट पॉटोल सो अपने आप को समझ के चलिए कि मैं तो बुलडोजर आई डोंट केयर फॉर दीज माइनर थिंग्स एंड कीप गोइंग अहेड तो जब गिव अप करते हैं ना लोग बड़ी जल्दी गिव अप कर जाते हैं Uh, मेरी जिंदगी में तो बहुत ऐसे किस्से आए ऐसे जगह आई जहां मैं गिव अप कर सकता था राइट इन द बिगनिंग गोइंग फॉर NDA आई वाज रिजेक्टेड मेडिकली मतलब मेरे को था कि मेरे पास पांच चांस हैं एक नहीं तो दूसरे नहीं तो तीसरे मैं पास हो जाऊंगा पर मेडिकली रिजेक्ट कर दिया परमानेंट तो मतलब पांचों के पांचों एक ही में गए बट आई वॉज डिटर्मेंट और कर करा के मेडिकल अपील करके ये करके पता नहीं क्या बट <laughs> पहुंच गए <के> एनडीए <NDA> में <laughs> जब आप कोई मतलब इरादा पक्का हो तो आप पहुंच जाए तो परसिस्टेंस इज इम्पोर्टेंट बट सिमर जीत इफ यू अलाउ मी प्लीज बहुत चीज मैं दिमाग में आ रही है इसके ऊपर एंड आई डोंट वांट टू फॉरगेट इट सी आई बीन वर्किंग अ लॉट ऑन पैशन एंड आई थिंक वी बोथ टॉक अबाउट अ पैशन अ लॉट एंड इन समवेयर नियर 2014 और समथिंग आई आल्सो

ठीक है एंड यू विल एंजॉय योर लाइफ सो व्हेन आई स्टार्टेड दिस कैंप जो लोग मेरे को जानते हैं वेरी फॉन्ड ऑफ पार्टीज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मीटिंग पीपल आई एम अ पीपल्स मैन उन्होंने कहा तू कहा यार बॉम्बे को छोड़ के वो जंगल में बैठ गया और तू तो वीकेंड्स में वही होता है तो यू यू नो योर लाइफ तुम्हारा तो लाइफस्टाइल खत्म हो गया मैंने कहा नहीं यार मैं क्लब में नहीं जाता हूँ वो क्लब भी वहां आ जाता है हर सैटरडे संडे को वहां तो so प्लेजर ढूंढते हो आपको वही मिलता है वो प्लेजर तो आई फाउंड बिकॉज ये क्वेश्चन मेरे ऊपर भी बहुत आ रहा था और uh, शायद आपको पता है समरजीत की मेरी जो बुक थी योर लाइफ विच वॉज क्रिएटेड फॉर द यूथ तुम अपनी okay. ज़िंदगी कैसे करोगे पॉडकास्ट mm -hmm. uh, oh, nice. so, uh, है जो हिंदी में है लाइक वॉट वी आर डूइंग टू थोड़ा इंग्लिश थोड़ी हिंदी जी. पर ज्यादा अबाउट सिक्सटी सेवेंटी परसेंट हिंदी है mm -hmm. तो उसमें ऑडियंस की जो रिक्वायरमेंट आती थी और उसके ऊपर काम करते हैं तो ये इसके ऊपर बहुत आए थे mm -hmm. तो मैंने एक मैट्रिक्स क्रिएट किया ओके okay. okay. कि ऑन हैं फॉर एग्जांपल एंड आई एम एम टॉकिंग आई एम पैशनेट अबाउट फोर थिंग्स आई वॉन्ट टू प्ले गोल्फ आई वॉन्ट टू प्ले गिटार आई वॉन्ट टू डू दिस Mm -hmm. और पहली कॉलम में लिखो ऑन अ स्केल ऑफ वन टू टेन विच वन आई लव द मोस्ट रूल ये है कि आप जो एक को नंबर दोगे दूसरे को नहीं दे सकते टू ऑफ़ देम बी आदर सिक्स एंड यू कान पहले कॉलम में वो लिख दिया सेकेंड uh -huh. कॉलम में से वॉट आर यू गुड एट और कैन बी गुड एट विच मीन स्किल है मतलब कि अगर मैं बैडमिंटन खेलता हूँ तो हाँ मैं टेनिस भी खेल लूंगा तो या अगर मैं फ्लूट बजाता हूँ तो मैं मे बी गिटार भी बजा लूंगा तो म्यूजिक इज कॉमन तो ऐसे करके विच इज लर्नेबल और विच एम गुड एट वट आई लव इज फर्स्ट कॉलम वट आई एम गुड एट दिसकेंड कॉलम दर्ड कॉलम इज हाउ मच विल इट पे मी एंड दैट इज आउट ऑफ ट्वेंटी टेन फोर गुड एट टेन फॉर वॉट यू लव ट्वेंटी फॉर व्हाट इट विल पे यू ठीक है mm -hmm. तो मैं लोगों को यह बोलता था कि यार देखो मेरे को मच्छर मारने में बहुत मजा आता है एटी परसेंट केल रेट है ठीक mm. <laughs> है जी बट विल समी पे मी फॉर इट जीरो आई कॉन्ट मेक दैट पैशन इन टू अर प्रोफेशन

now the point is, can i create a life where my work is my passion so mm -hmm. that my apni zindagi enjoy karthay karthay apni life ki ambitions ko uh, meet mm -hmm. so mm -hmm. this becomes very practical way of looking at things because uh, while passion is so good, there are two things about it. Mm -hmm. passion can also be a poison. yes. passion is poison. if you develop a passion, which distracts you from your main profession mm. and comes in a way rather than supplementing it. Right. It right. should complement it, it should supplement it, it should mm -hmm. reinforce it, it should mm -hmm. not distract you. Mm -hmm. So that is one. The second is if a passion is without mission, mm -hmm. passion without mission can also fail. There are many examples, but I'll give you the example of my son. Mm -hmm. he became a professional photographer. It's a long story. I won't tell you that. But uh -huh. my son is 36. He's an undergraduate. College because uh -huh. वो पढ़ता नहीं था. और मैं uh -huh. जाके <laughs> प्रिंसिपल को बोलता था की आई वॉन्ट हंड्रेड परसेंट रिजल्ट और अंदर से एक आवाज आती थी तेरा बेटा पास हो जाएगा क्या बिकॉज <laughs> uh -huh. मेरे बेटे को भी पास होना जरूरी है एंड एनीवे लॉन्ग स्टोरी बड़ी मुश्किल से वो पास मार्क्स लेके पास हुआ आफ्टर कंपार्टमेंट ओके तो मैंने उसको बोला तू कॉलेज मत जा बिकॉज मेरी तेरे से एक conversation ही कॉन्वर्सेशन होती है तू पढ़ता नहीं तेरे नंबर नहीं आते तू तो नाक आएगा तो तू कॉलेज मत जा यू फॉलो योर पैशन ही वॉन्टेड टू डू फोटोग्राफी आई लेट एम डू फोटोग्राफी ही टूकअप अ कोर्स इन बॉम्बे ही बिकेम अफर वाइल ऑन द कोर्स इज फर्स्ट इंटरनेशनल अवार्ड इन फोटोग्राफी Oh wow. He became an international photographer, went to thirty-six countries on his own and all that. Mm -hmm. And he's got a whole lot of records, Limka, Book of Records, yeh, wo karte nice, so nice. today nice. he's no longer a professional photographer. He did it for many years, mm -hmm. but he found he Okay. so then okay. he became an entrepreneur. He's doing very well now. Mm -hmm. But if in twelfth may fail, mm -hmm. just koi academic record hai, jo I'm not telling people not to study. Study is very important. But Jai if you are, if you are able to follow a passion which can take you to a level that you can support your life mm -hmm. then you are made then you are That's made good. so academics are important but you should not be over emphasizing on a family. आई थिंक यू मेड अ वेरी वैलड पॉइंट देअर बिकॉज इस चीज़ को हमारा जो सर्वे होता है इन दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ डिस्कवर माई पर्पज मेरा पर्पज क्या है मेरा पैशन क्या है उसमें हम कई बार उसकी जो प्रैक्टिकल जो एलिमेंट्स हैं उनको प्रगमेटिक जो उसके एलिमेंट्स हैं उनको ओवरलुक कर जाते हैं इनफैक्ट आई स्पोक टू द स्टूडेंट्स ऑफ पी टी यू दर डे एंड आई थिंक मैं चार सवाल पर मेरा इंटायर की नोट बेस था क्वेश्चन नंबर वन हु आई यू Currently, who are you? As in, this is a self analysis, self awareness. Currently, your strengths, your desires, your ambitions? Kya hai? Kaha, aap ho kya samay. Good and bad and ugly, all included. Question number two Who would you like to be? Uh, ambition? Kya hai? How do you visualize yourself? If I say, close your eyes now and see yourself five years from now, what are you doing? How are you dressed up? What sort of a place are you working in? What sort of money are you making? What sort of a life are you leading? क्वेश्चन नंबर थ्री था व्हाट इज द प्राइस यू हैव टू पे और व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट यू हैव टू मेक इन ऑर्डर टू गेट देयर क्या चेंजेस लानी पड़ेंगी खुद में कैसे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे और बाकी सब स्किल स्किल डेवलपमेंट माइंड डेवलपमेंट और और क्वेश्चन नंबर फोर था वट इज द प्लान वेर इज द स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कम्स इन वट इज योर प्लान विच दो दिस इज वे यू गेट मोर स्पेसिफिक कौन सा कोर्स साइन अप करना है कौन सी बुरी आदत बंद करनी है कौन सी नई हैबिट्स डेवलप करनी है दिस इज हाउ यू स्टार्ट गेटिंग स्पेसिफ़िक मेरे से गलती हो गई आज मैंने जब कहा ना बिगनिंग में कि आज का जो सेगमेंट था वो यंगस्टर्स पर फोकस्ड होगा तो आई थिंक uh, मैं उसको उस क्षमा uh, चाहता हूँ उस गलती क्योंकि ये हर एज ग्रुप के लिए यूजफुल होगा हर एज और आपके एग्जाम्पल से तो मुझे ये बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल ऑब्जर्वेशन uh, सामने उब, सामने उभर कर आई सर कितने ऐसे लोग हैं जो रिटायरमेंट के आसपास या तो रिटायरमेंट के बाद ऐसे रिटायरमेंट के बाद पंजाब में जैसे जो पंजाब गवर्नमेंट का है फिफ्टी एट ईयर्स का है एंड आई एव सीन पीपल फिट हेल्थी एनर्जेटिक एट द पीक ऑफ देयर इंटलेक्चुअल एबिलिटीज एंड एंड ऑल अदर एबिलिटीज लीडरशिप एबिलिटीज़ एंड सो वन एंड सो फोर्थ तो कईयों में होता है कि रिटायरमेंट के टाइम पर विच इज फिफ्टी एट कई सेगमेंट्स के होता है रिटायरमेंट के एक दो साल बाद और कईयों में रिटायरमेंट के एक दो साल बाद वो खालीपन के किन होना शुरू हो जाता है स्पेशली जो डूअर्स थे अचीवर्स थे जिनको आदत थी सुबह उठ के तैयार होकर जाना एंड दे आर मेकिंग कि मेरी लाइफ में तो खालीपन आ गया है एक गया। हाँ जी वैक्यूम हो गया मैं क्या करूं मेरे में ऊर्जा है क्षमता है सब कुछ है सडनली वो अपॉर्चुनिटी थी ना वो अपॉर्चुनिटी वो छीन ली गई और अब हमें छोड़ दिया गया है आउट टू कि सुबह उठ के सैर करो और लाफ्टर योगा क्लब में पार्टिसिपेट करो ऑन ऑल दैट और मुझे बड़ी दुख की बात लगती है वो बिकॉज <laughs> कई ऐसे इंटेलेक्चुअल्स को जानता हूं मैं जो कि अगर मैंने कितनी बार बोला आंटी अंकल अपना यार यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लो प्लीज कैसे करें मेका फ़ोन उठा के बस रिकॉर्ड करना शुरू करो आपके पास इतना तजर्बा है आपके फील्ड में चाहे कोई लिटरेचर में है और यंगस्टर्स को ये गाइडेंस चाहिए और कई बार पता क्या होता है सर कि उस जिस ढंग से वो पढ़ाना चाहते हैं शायद हमारा सिस्टम अलाउ नहीं करता सो वो भी ढल जाते हैं उसी सिस्टम में उसके अनुसार खुद को बदल लेते हैं पर उनके अंदर जो छुपी हुई वो जो असली जो क्रिएटिव आर्टिस्ट होता है ना जब वो फ्रीडम के साथ सामने उभर कर आके अपनी बात प्रेजेंट करता है तो क्या इंपैक्ट पड़ता है यंगस्टर्स पे तो मैंने पर्सनली देखा है कई लोग ये अवसर खो देते हैं उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे उस सेगमेंट को उस श्रेणी को आप क्या प्रेरणा के शब्द कहना चाहेंगे कि वो खुद को बिजी कैसे रखें अपना मिशन कैसे ढूंढें और सोसाइटी के प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूटिंग मेंबर्स कैसे बरकरार रहे वेरी 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 गुड क्वेश्चन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट जी सो सिमर जी दट सो है

Which before people retire, they give them a one week's workshop. Or doctor insurance they tell you all types of requirements that you will do as a uh, as a uh, what do you call a retired person. Mm -hmm. Mm -hmm. And I had done a three hours workshop on that, on how will you make your second career okay. or your retired life. I a better like mm -hmm. now i like the second career term better ye yeah, retired no. shabd se mujhe thodi si mujhe ye shabd hi no. nahi acha lagta ji so i been i been talking on this in fact uh, now i'll be speaking in bangalore to uh, two three regimental centers on nice. seeing because in the army we retire very young a soldier Jee. retires at 45 50 50 se bhi pehle 48 or something Jee. so there to that it's too early for them to sit at home and do nothing uh huh Uh, in fact, Samarjeet, I wrote a letter to Modi when he took over in 2014 that do you know that there is a, such a vast resource of uh, knowledge and experience in the armed forces that people were sitting retired, doing mm -hmm. nothing, generals, mm -hmm. brigadiers, they have got so much of experience, Subedar's, havaldars, who mm -hmm. go to their villages, they have tons of experience. Why mm -hmm. can't you, uh, you know, do something to, mm -hmm. to capture this, to mm -hmm. exploit this, to, re, to you know, harness this experience and mm -hmm. use it. It's a national resource being wasted. Of course it is. So, to these people, I'll say, again, find your purpose. So, mm -hmm. in my life, I'll tell you, ek, ek imagine an hourglass. So, mm -hmm. when I see the hourglass of my life, I find that most of the sand has come down and mm -hmm. very few little sand is on top.

That every grain, every atom, every element of that that sand which is coming from top to bottom. My mm -hmm. focus have on neck. Is this mm -hmm. grain coming down happiness ke hai ke satisfaction? Mm -hmm. ke hai ke am I loving that journey of that grain falling down, mm -hmm. or am I not? Mm -hmm. And that is something which everyone can strive for. And you have to find a purpose. And I say, the rest of my life. is going to be the best of my life wow wow Rest of my life is going to be the best of my life i don't care what happened mm -hmm. i never bother about मैं कभी अपनी जिंदगी के बीते हुए वो पल सोचना भी नहीं चाहता हूं mm -hmm. जिसमें मेरे को मजा नहीं आया था hm mm. तो क्या फायदा अब? उनको रिव्यू करके और और परेशानी निकलेगी नेगेटिविटी यू विल ब्रिंग इन नेगेटिविटी वो तो खत्म हो गया एंड इवन द टाइम i spend on thinking of them is an right. opportunity lost Aap I could be her. thinking of another positive idea for the future. वॉट अ रिमार्केबल लाइफ फ़िलासफी इट इज़ और मेरी कोशिश है मेरी दुआ है ऊपर वाले से कि ये मासिस तक ये मैसेज पहुँचे क्योंकि अक्सर ऐसे क्या होता है कि सर वो एक माइंड में लिमिटेशन uh, पहले खुद क्रिएट हो जाती है बिकॉज वो कंडीशनिंग हुई है अब मैं रिटायर हो गया हूँ सो so मेरा पह मैंने तैयार भी नहीं होना मॉर्निंग में मैं कुर्ता पाजामा में ही सारा दिन निकाल दूंगा मेरा शेड्यूल भी रूटीन भी निर्भर है सिर्फ मेरे फ्रेंड्स पर या उन सोशल एक्टिविटीज़ पर दैट सेल्फ ड्राइव आई थिंक इफ़ वी ब्रिंग इट बैक वंस अगेन

एंड आई थिंक इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव इंपैक्ट हेल्थ पर भी होता है मैंने अपनी फैमिली में देखा है कितने absolutely, जो अपने absolutely. Relatives absolutely. में देखा है कि कुछ कुछ uh, मेरे रिलेटिव्स ने रिटायरमेंट के बाद जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने नहीं कुछ मिशन चुना और उनकी हेल्थ मैंने देखा है कि विजे वी अगर मैं कंपेयर करूं उन लोगों के साथ जिनके डिसिप्लिन बने रहे जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी रहे नॉट जस्ट इकोनॉमिकली इन अदर वे ऑल्सो चाहे कि किसी क्लब के मेंबर हैं किसी संस्था के मेंबर हैं एनजीओ के मेंबर हैं उनकी हेल्थ एजिंग स्लो डाउन हो जाती है और आपको देखकर भी आप तो यू आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस एट 71 जो स्पार्क है आप में जो एनर्जी है डिजायर टू कंट्रीब्यूट लर्निंग ऑफ टेक्नोलॉजी लुक एट आई थिंक यू डिजर्व राउंड ऑफ अपलॉज फॉर स्पेशली ये जो कोविड के दौरान क्योंकि मुझे पता है कि ये जो की नोट स्पीकरस को हमें जो प्रोफेशनल स्पीकरस को ड्यूरिंग कोविड कितनी मुश्किल आई और हमें हमें ये सारी टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ी कैमरे के सामने कैसे बैठ कर प्रजेंट करना है ये माइक्स कैसे ऑपरेट करने हैं ये लाइट्स कैसे लगानी ये सब कुछ करना है और एट सेवेंटी वन यूर डूइंग इट सो कम्फर्टेबली जस्ट लाइक अ ब्रीज़ और मेरे को और भी ऐसे बुजुर्ग नज़र आते हैं जिनको नया फ़ोन भी जब हम गिफ्ट करते हैं वो कहते है, नहीं बेटा ये मेरे से चलने वाला नहीं है <laughs> तो मेरी उन सब से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को सुने इनकी एग्जाम्पल को फॉलो करें मैं फिर से वो शेयर रिपीट कर देता हूं जिससे शुरुआत की थी अपनी तकदीर के पैबंद सिया करते हैं हम उम्र काटते नहीं जिंदगी जिया करते हैं राइट right? और मार्कसोरेलियस uh, जो अगर ग्लैडिएटर मूवी जिन लोगों ने देखी और मेरी वन ऑफ द ऑल टाइम फेवरेट है जस्ट फॉर द एक्टिंग एंड द स्टोरी लाइन एंड कॉस्ट्यूम्स एंड एवरीथिंग तो उसमें जो एम्पर होता है रोमन एम्पर वो एक फिलोसफर भी था वो अपार्ट फ्रॉम बींग एन एम्पर एंड वॉरियर तो उसकी कुछ It is not death that a man should fear. It is not death that a man should fear, but he should fear never beginning to live. He should fear Absolute. never beginning Absolute. to live. Horaksha, as, as I think, as we age, it's the fear of that. Oh, you know, I'm declining in health and energy. That's not what we should be afraid of. Find Sibar your Jee, mission. you could also repeat that very favorite.

जो लोग मर रहे थे उनके सर्वेस जो किए इस नर्स ने उनसे पूछा सबसे बड़े आपके रिग्रेट्स क्या है आप क्या बदलना चाहेंगे अपने जीवन में तो सबसे ऊपर उभर के ये चीज़ आई काश मुझ में ये हिम्मत होती मैं अपनी जिंदगी अपने मिशन अपने वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जी पाता या जी पाती उससे नहीं जो सोसाइटी मुझसे एक्सपेक्ट करती थी अब इसमें यह भी चीज़ साथ साथ ऐड करना चाहता हूँ कई बार सोशल रोल्स कुछ ऐसी जिम्मेवारियाँ निभानी पड़ती हैं हमारे ना चाहते हुए भी हमारे कंधों पर वो आ आ जाती हैं आई लॉस माई डैड वन आई वॉज ट्वेंटी वन मेरा करियर स्टार्ट हो रहा था सर यू एस में उस समय मेरी फर्स्ट जॉब मैं होटल मैनेजमेंट स्कूल सिडनी का ग्रेजुएट हूँ और मैरियट यू एस ए में मुझे फ़र्स्ट जॉब मिली चार पाँच महीने अभी शुरू हुए थे और पिताजी को रिटायर हुए कुछ ही टाइम हुआ आई वॉज बिल्डिंग इज फार्म हाउस नियर बठिंडा बड़े शौक से वो अपना ड्रीम जो रिटायरमेंट होम है वो बिल्ड कर रहे थे और <clears throat> खाना खाते वक्त एक दिन रूफ़ के ऊपर बैठे हुए तो मेरी सिस्टर जो डॉक्टर हैं उन्होंने नोटिस किया कि ये खा एक जो अगर निवाला खाते हैं और साथ साथ में एक घूंट पानी का पीते हैं सो शी सेड क्या क्या आपको दिक्कत आ रही है आप पानी क्यों पीते हैं हर बार खाने के साथ हर हर एक निवाले के साथ तो कहते नहीं मुझे लगता है कुछ दिक्कत है मेरे कुछ छोटी सी कुछ ऐसे लगता है जैसे कुछ ग्रोथ है कुछ दिक्कत आ रही है ये सुनते ही उन्होंने उनको शी सेड नहीं यू हैव टू गो फॉर अ टेस्ट टुडे जैसे उन्होंने टेस्ट कराया और उनका जो जो बेरियम मील का वो जो टेस्ट हुआ उस समय हुआ करता था वो पूरा अनालस हुआ तो पता लगा कि उनको कैंसर है स्टमक कैंसर है और धीरे वो इतना बढ़ चुका था क्योंकि वो डिटेक्ट नहीं हुआ तो उस समय मैं यूएस में था तो अगले चार महीने में मैंने चार ही ट्रिप्स लगाए फिर उनकी सर्जरी भी हुई पीजीआई में फिर पूरा एक महीना मैं छुट्टी लेकर उनके साथ रहा फिर एक यंग पीजीआई का डॉक्टर था उससे मैंने फेस टू फेस टॉक की यंग लड़का था मेरे से कुछ साल बड़ा है मैंने कहा यार मुझे प्लीज आप एक्यूरेट बताएंगे कि क्या सिचुएशन है क्योंकि मुझे सही सिचुएशन पता लग नहीं रही किसी से वो कहते आपके पिताजी के पास छः महीने से एक साल है ज्यादा से ज्यादा ऑन द ब्राइटर साइड सर्जरी हो गई इनकी तो ही विल पेन नहीं होगी इनको पर कैंसर स्प्रेड हो चुका है सर उस समय ये जुलाई अगस्त की बात थी मैं वापस गया मेरे ये मैनेजर जिनको मैं आज भी आउट ऑफ टच हूँ पर उन, उन इतना प्रेम करता हूँ उनसे तो उनको मैंने जा के बताया तो वो 18 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम था मेरे को अभी 12 महीने हुए थे शी सेड नो प्रॉब्लम जो भी आपको हेल्प चाहिए वी विल असिस्ट यू मैंने अपनी वो जॉब जो करियर की शुरुआत यू में छोड़ी किसी से नहीं पूछा अपने बैग उठाए और मैं वापस पहुंच गया और जैसे वापस पहुंचा अपने घर के जो आ, इस वेड़े के अंदर तो वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे जो हालचाल पूछने आए थे पिताजी का ही did नॉट लाइक like it उनको पसंद नहीं था कि लोग हालचाल पूछने आए यू नो पिटी करने आए क्या हो गया कैसे हो गया तो मैं जैसे पहुंचा कहते अब आप सब लोग चले जाओ मेरा बेटा वापस आ गया <laughs> और उठ के ही गेमी टाइट हग और मुझे वो चीज़ आज भी याद है क्योंकि वो एक पल आई थिंक इफ दैट वन मोमेंट फॉर एवरी एल्स आई कैन ट्रेड दैट वन मोमेंट कि मुझे आज रिग्रेट नहीं है सबसे बड़ी चीज़ रिग्रेट ही होती है तो शायद मैं सलाह लेता अगर तो मेरे को मल्टीपल ओपिनियंस मिलते भी क्यों कर रहे हो जॉब मत छोड़ो ये हो सकता है वो हो सकता है दिल की सुनो और स्ट्रॉन्ग डिसीजनस लो क्योंकि कल को लाइफ में रिग्रेट ना रह जाए जिम्मेवारियां भी पड़ती हैं मेरे कंधों पर जिम्मेवारियां आई मैंने उनको निभाया आज भी निभा रहा हूँ बट आई थिंक इट इज ऑल गॉड्स प्लान डिवाइन प्लान उसकी रजा में रहना आम, वो वो जब आप सबमिट करते हैं टू डिवाइन विल समटाइम्स इवन योर टफेस्ट मोमेंट्स आर योर मोस्ट स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ क्योंकि उस समय में उससे क्या हो रहा है मेरे करियर में ब्रेक लगी मैंने फिर से रीस्टार्ट किया वन टेंथ सैलरी पर आ गया सर मैं यूएस में जहाँ एक लाख दस हज़ार कुछ मैं पर मंथ उस समय सेव कर लेता था तो यहां मेरे को जॉब मिली पचासी सौ में नौ हज़ार में बट अगर मैं पैसे को साइड पे रखूं मेरे को मैनेजर बनने का मौका मिला है ट्वेंटी टू आई वॉज मैनेजिंग एंड लीडिंग अ टीम ऑफ एटीन टू ट्वेंटी पीपल मैनेजिंग टू रेस्टोरेंट्स ये अवसर मुझे अगर तो ऑन दफ यू लुक ऑन द ब्राइटर साइड देर इज इवन ड्यूरिंग योर टफेस्ट मोमेंट्स देर देर इज समथिंग हिडन फॉर यू दे तो यह है कि एम्ब्रेस इट फुली अंडरस्टैंड इट्स हैपनिंग फॉर अ रीजन मे बी वो रीजन आज आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि आज तो हम यही पूछ रहे हैं वाई मी गॉड वाई मी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था वाई डिड आई हैव टू गो थ्रू ऑल दिस बट द थिंग इज There is a plan and if you walk in harmony with that plan, if you embrace your circumstances fully, you'll come out stronger out of them. Absolutely. Yeah. Thank you, sir. It's been a <coughs> excuse me, it's been a wonderful conversation here. Um uh, uh, thirty-four years, forces may spend और मैं एक ये ज़रूर पूछना चाहूँगा क्योंकि मैं तो थ्योरेटिकली हर वक्त ये जैसे हर मेरे एक मेरी गुजारिश है हम, हमारे सारे ट्रेनर्स और मोटिवेटर्स को और स्पीकर्स को कि इफ़ पॉसिबल वेन एवर पॉसिबल एंड आई थिंक इट्स ऑलवेज पॉसिबल प्ले द नेशनल एंथम प्लीज टूवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ योर प्रोग्राम्स एंड योर वर्कशॉप्स इट्स अ ग्रेट वे टू स्प्रेड अ पॉजिटिव मैसेज फॉर द नेशन ऑल्सो पर एक प्रैक्टिकल नजरिए से सर सोल्जर्स माइंड सेट हमारे यंगस्टर्स कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं बिकॉज वी गॉट सोशल मीडिया वी गॉट अलॉट मोर कम्फर्ट स्क्रीपिंग इन हमारे टाइम में ए सीज नहीं हुआ करते थे पावर बैकअप नहीं होता था कितनी चीज़ें नहीं होती थी एंड ग्लैड वी हैव दम वी मेड प्रोग्रेस एज अ सिविलाइजेशन एज अ सोसाइटी एज अ नेशन बट समहा आई ऑल्सो फील कि हमारे यंगस्टर्स जितना स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं उसमें थोड़ा सा वो रास्ता कवर करने का कुछ और स्टेप्स जरूरी हैं सो फ्रॉम अ सोल्जर्स माइंड सेट वट आर द थिंग्स अब यंगस्टर्स कैन अडॉप्ट एंड फॉलो

Gee. So, believe in yourself, believe in your organization. A soldier believes in his organization. A soldier mm -hmm. believes that what is happening for the good and he follows his leader blindly. Mm -hmm. mm -hmm. He follows his leader blindly. That's the right. first thing. We, Gee. Because we say you're not to question how and why you are to do and die.

हम्म दैट इज नॉट सेल्फ डिसिप्लिन जी सेल्फ डिसिप्लिन की एक मैंने एक डेफिनेशन तीन चार डेफिनेशन को मिला के एक अपनी डेफिनेशन mm -hmm. बनाई है एंड दैट डेफिनेशन इज डूइंग वॉट यू ऑट टू डू राइट Doing what you ought to do. अब right. what, what 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 is that? What you ought to do? वो हमें सबको पता है कि अगर सच बोलना है जब हम झूठ बोलते हैं तो पता है कि सच बोलना चाहिए पर मैं झूठ बोल रहा हूँ Uh -huh. अगर आप रेड लाइट क्रॉस कर रहे हैं आपको पता है कि यू ऑट टू स्टॉप बट यू डेंट स्टॉप तो ऑट टू हमको सब पता होता है इफ आई वॉट टू डू आई ऑट टू लुक आफ्टर माई हेल्थ आई ऑट टू गेट अप इन द मॉर्निंग आई नो इट ठीक है सो डूइंग वॉट यू ऑट टू डू इवन वेन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट राइट एंड इवन वेन नो बडी इज वॉचिंग यू दो चीजें आपका एक कोड ऑफ ऑनर कि मैं वो करूंगा जो मेरे को लगता है जरूरी है मैं अपने आप को जवाब कैसे दूंगा mm -hmm. मैंने रात को सोचा था कि सुबह छह बजे उठूंगा मैंने mm -hmm. बजे का अलार्म स्नूज करके साढ़े छह <laughs> क्यों उठा जब मैं अपनी बात ही नहीं मान सकता मैंने एक रात को डिसीजन ली थी और mm -hmm. मैंने आप, आपको कहा था कि मैं छह बजे उठूंगा इफ यू आर नॉट प्रिपेयर टू ओबे योर सेल्फ Hmm. how the hell are you expecting the world to obey you yeah right how right, can you be an influencer if you can't influence yourself mm -hmm, mm -hmm. so soldiers mindset is basically i mean I, I just went to google to see what is called soldiers mindset and i found everyone is talking about some soldiers mindset compared with scout mindset and all i'm not talking about a technical thing right i'm understanding that your question is probably related to

I have to reach there. Come, bought, come what may. Okay. Or another three words which are very important. Whatever it takes. Whatever it takes. Which means, you know, you when you ever add these three words to anything, I am mm -hmm. going to run two miles, whatever it takes. Mm -hmm. When you say whatever it takes कि यार मेरे को सुबह जल्दी भी उठना पड़ेगा, मेरे को पसीना भी आएगा, मेरे को टाइम भी निकालना पड़ेगा.

Where was I? Or mm -hmm. how have I reached? Uh, nee, sorry, where am I? How have I reached here? Mm -hmm. What is my plan? Right. What is involved in going there? Right. What is stopping me? What is stopping me? What was stopping me? अगर आप identify करके, because अगर आपको एक diagnose हो गया, तभी तो mm. उसकी treatment होगी। जी। और diagnose नहीं है, तो treatment क्या हो? जी।

क्ट फ्यूलिंग mm -hmm. you, you know, जैसे वो रॉकेट को प्रोपेल करने के लिए जैसे वो आग लगती है ना ये आग लग जाती है mm -hmm. ये जो आग लग जाती है इसको बुझाने वाला कोई मिलेगा नहीं आपको क्या बात कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं अगर आग लगी हो सीने में बड़े बड़े तूफान <laughs> थम जाते हैं अगर आग लगी शायरी बहुत मजा आ मजा गया आज पर्सनली आई एम फीलिंग मोटिवेटेड मेरी आशा है जो भी हमारे साथ इस पॉडकास्ट में या वीडियो में शुरू से जुड़े थे एंड तक रुके होंगे आज ये एक ऐसी एपिसोड है दर्स बीन नगेट्स ऑफ विजडम पर्सनल एनेक्डोट्स एंड सो मच जिसको अगर आप सुनकर अब्जॉर्ब कर कर उनको नोट्स लेकर फॉलो करें यू कैन एक्चुअली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ दैट्स हाउ एंड आई रियली लुक अप टू यू बिकॉज एट सेवेंटी वन योर फुल ऑफ एनर्जी योर यू हैव दिस विजन एंड यू आर एग्जीक्यूटिंग इट यूर मेकिंग इट हैपन एवरी डे आपके आपकी तारीफ में चंद लाइनें कुछ हैं कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है जिंदगी के कई और इम्तिहान अभी बाकी हैं अभी तो नापी है मुठ्ठी भरजमी हमने अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने आगे सारा आसमान अभी बाकी है आसमान बाकी सारा है तो जिंदा दिली कायम रखें ब्रिगेडियर सुशील बसीन जी आप एक हमारे सामने एक ऐसी एग्जाम्पल है कि इफ यू आर इन टच विद योर हायर कॉज इफ यू आर इन टच विद योर हायर पर्पज एंड इफ यू अलाइन योर लाइफ टूवर्ड्स दैट यू कैन मेक ह्यूज डिफरेंस टू योर ऑन लाइफ And to the lives of those around you. Thank you so much, sir, for joining us today. Thank you, thank you. Die Empty। Die Empty Which is the wealthiest place on the earth? And the answer is it's a cemetery. Mm -hmm. Where dump all their and go. जो, जो अनुभव किया था वहां छोड़ कर चले गए to my graveyard. So, जैसे आप कर रहे हैं जैसे मैं कर रहा हूँ YouTube के ऊपर podcast के ऊपर यार हम नहीं भी रहेंगे तो हम सब छोड़ के जा रहे हैं अगर कभी किसी के काम आएगा तो आएगा वो वरफुलीट इज क्योंकि die empty. I love that. Die empty. और हम प्रैक्टिस भी करते हैं उसको सर कई बार हमने पूरे के पूरे इवेंट्स की फुटेज उठा कर यूट्यूब पर डाल दी मेरी टीम कहती सर ये कुछ हमारा वो कुछ रहेगा नहीं <laughs> <You> know, <laughs> तो मैं कर, डालो अभी अभी समय है इसको कुछ मत छोड़ो आप बेटर आउट देयर ऑन द इंटरनेट देन ऑन योर हार्ड डिस्क इफ इट्स ऑन योर हार्ड डेस्क इट शुड बी आउट देयर फॉर पीपल टू वॉच क्योंकि बुल्ले शाह जी ने बखूब लिखा कि बुल्ले शाह इथ ए सब मुसाफिर शाह इत्थे सब मुसाफिर किसे नहीं इत्थे रहना आपो अपनी वाट मुकाके सब नो मुड़ना पेना वाट होती पंजाबी में रास्ता कि आपो अपनी वाट मुकाके सब नो मुड़ना पेना जो तो वापस जाके उसके घर में ही वापस जाना है तो जब ये मौका है तो why not live it from a perspective कि let me share yeah. uh, with what I can do you have any questions for me sir you you were in, uh, uh, mentioning earlier that you had some questions for me too have we finished the recording is over No recording is going on. Okay. <laughs> yeah. Did you want to <laughs> ask it on on camera or off camera? No, no, that was off camera, which I asked you earlier. Done, Otherwise, done, done. no. But I, I certainly um, not a question, but I want to really tell you one thing. I know. I'm very, very intimately involved with lots of professional speakers across the world. Mm -hmm. When you came and accepted my invitation for the professional speakers summit, also you saw uh I'm associated with lots of them and people uh, who are called CSPs certified certified speaking professionals uh, who earn something like two thousand dollars an hour my appco sub number one month you know simarjeet right mm. from the first day Somewhere in 2008 or something, I first mm -hmm. saw your video when you were talking to a corporate in Dubai. Okay. And I got very impressed. And I told my team that day, and that time my team was only one person. And I said, I want to do something like what he's doing. Oh, wow. I just set my journey. I'm in mean, 2004, 2005, 2006, I'm now a camp. Uh, established. Kar rahe the. So 2007 8 is also the same time that you start. Jim. Probably the time I started. Much mm -hmm. of regard for you because you are doing an immense service to this nation, to this humanity actually. Thank you, sir. And God bless you and give you more power because for it's for people like you.

So thank you for your love and blessings. Thank you, thank you. It's been an absolute pleasure. And thank you very much for this opportunity. It's a great honor for me. Likewise, and I would love to get connected with any, uh, any, um, anyone who wants to, um, encash on our, uh, on our knowledge, experience, guidance, because we have a bigger purpose. We want to make a change. We want to, we want to see this a happier. मोर प्रॉस्परस वर्ल्ड डेफिनेटली और मैं व्यूअर्स को इंकरेज करूंगा कि सर के लिंकड इन उनके फेसबुक यूट्यूब कोर्सेज बुक्स सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे Um, including his website and feel free to reach out to him connect to him and his team there's a wealth of information that sir is putting out there and most of it a lot of it is in public domain some elsewhere but do follow him and i'm sure ki aapko tools wo resources wo inspiration will to change your life whether it's on time management self-discipline self-confidence or discovering the purpose of your life and other evolving fields it's been an absolute pleasure once again huge round of applause for Machine. नमस्कार जय हिंद सर